आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। आप लोगों को पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है। जो प्रश्न आपको आता रहेगा उसका तो रिवीजन हो जाएगा, और जो प्रश्न आपको नहीं आता रहेगा उसको अपने कॉपी में लिख लेना है, और पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना है कि इन 30 प्रश्नों में से आपको कितना प्रश्न आ रहा था। जिनको 30 प्रश्न में से 20 से अधिक प्रश्न आ रहा होगा उनका तैयारी बहुत अच्छा है, और जो लोग 30 प्रश्न में से 25 प्रश्न सही कर देंगे तो उनको फौज में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर वो लोग फौज में नहीं जाएंगे ना तो भाई कौन जाएगा, मतलब 30 प्रश्न में से। ये प्रश्न ऐसा तो नहीं है कि मतलब उन लोगों को पहले आंसर बता दिया गया है। देखो बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, नीलेश भाई आप प्रश्न कहां से लाते हो, क्वेश्चन कहां से लाते हो। तो भाई मैं भी बहुत जगह ऑनलाइन क्लास करता हूं, मैं एक जगह ऑनलाइन क्लास नहीं करता हूं, बहुत जगह ऑनलाइन क्लास करता हूं, और वहां से मुझे जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ना। अब ऐसा नहीं कि मैं अपने पास से आप लोगों को प्रश्न बनाता हूं। कुछ भाई लोग बोलते हैं ना, भाई ये तो इस बुक से बताओ, भाई वो तो उस बुक से बताओ। तो भाई बुक से ना बताऊंगा, मैं अपने पास से आप लोगों को प्रश्न बताऊंगा। क्या मुझे लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इस तरह से पहले इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जाता था, तो वो प्रश्न उठाकर और मैं इकट्ठा करके लिख के फिर से पीडीएफ बनाता हूं। और पता है एक पीडीएफ बनाने में, 30 प्रश्न का पीडीएफ बनाने में कितना टाइम लगता है? 3 से 4 घंटे लग जाते हैं मेरे भाई। मतलब 2 घंटे तो उसमें मैं ले लेता हूं और 2 घंटा पहलवान भाई लेता है, तो हम 2-3 लोग मिलकर पूरा का पूरा पीडीएफ बनाते हैं। तो आप लोगों को यह नहीं सोचना है कि भाई यहां से मैं प्रश्न लिया हूं, वहां से मैं प्रश्न लिया हूं। आप लोगों को सिर्फ यह सोचना है ना कि भाई प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है, और आप लोग पूरा का पूरा टेस्ट देने के बाद, हमारा पूरा वीडियो देखने के बाद कहीं भी जाकर इंडियन आर्मी का टेस्ट लगा लेना, उसमें जरूर 2-4 सवाल देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक से पढ़ाई करना है, ठीक है ना। तो अभी अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद से सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर बता दे रहा हूं, आप लोगों को 1 बजे तैयार रहना है। आज 1 बजे आप लोगों को 300 जीएस का प्रश्न मिलने वाला है, जीएस का प्रश्न आप लोगों को मिलने वाले हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी, इसलिए आप लोग 1 बजे इंतजार करना, 1 बजे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो जाएगा। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, इनमें से किसके पक्ष में नेहरू जी थे पर गांधी जी नहीं थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अहिंसा, भारी औद्योगिकीकरण, सत्य और अस्पर्शिता। इसका राइट आंसर भारी औद्योगिकीकरण हो जाएगा, भारी औद्योगिकीकरण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या है, मतलब कितनी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 14, 15, 20, 10। इसका राइट आंसर 15 हो जाएगा, 15 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि का वेग हवा में किस पर निर्भर नहीं करता है? देखो यहाँ पर नहीं लिखा गया है, ठीक है ना, इस पर आप लोगों को ध्यान देना है। कुछ लोग मतलब धर पढ़ते जाते हैं और यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि ध्वनि का वेग हवा में किस पर निर्भर करता है, नहीं छोड़ देते हैं। बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है, मुझसे भी कई बार मिस्टेक हो जाता है, तो छोटी छोटी बातों को भी आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हवा का ताप, हवा का दाब, हवा का घनत्व, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हवा का दाब हो जाएगा, हवा का दाब इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य ग्रहण तब होता है जबकि, मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है। देखो चंद्र ग्रहण कब होता है और सूर्य ग्रहण कब होता है, दोनों प्रश्नों के बारे में पूछा जाता है, तो दोनों प्रश्नों के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कृत्रिम उपग्रह आ जाता है, आसमान में बादल छा जाते हैं, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। इसका राइट आंसर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब जाकर सूर्य ग्रहण होता है, इसको आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, पुल निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो पुल बनता है मतलब उसके निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बलुई पत्थर, चूना पत्थर, कंक्रीट और नोन। नोन मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर कंक्रीट हो जाएगा, कंक्रीट इज राइट आंसर। पुल निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अहमदाबाद, मुंबई, लुधियाना और फगवाड़ा। इसका राइट आंसर अहमदाबाद हो जाएगा, अहमदाबाद इज राइट आंसर। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, रूस, चीन, जापान, यूएसए। इसका राइट आंसर यूएसए हो जाएगा, यूएसए इज राइट आंसर। सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा? यूएसए ने भेजा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, खेल से संबंधित मतलब स्पोर्ट्स से संबंधित।
संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन ये ध्यानचंद्र वाले ज्यादा देखने को मिलता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, हॉकी, क्रिकेट, बेसबॉल, टेबल टेनिस। इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा, हॉकी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बीसीजी टीका का प्रयोग किस रोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, हैजा, छोटा उपदोष, पोलियो और क्षय रोग। इसका राइट आंसर क्षय रोग हो जाएगा, क्षय रोग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है। हम लोग का जो अखबार आता है वो कागज बनाने वाला सरकारी कारखाना कहाँ पर है, आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेना। आपके सामने चार ऑप्शन है, होरंगाबाद और यहाँ औरंगाबाद हो सकता है, उसके बाद से नेपा नगर, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर नेपा नगर हो जाएगा, नेपा नगर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली मेडिकल कॉलेज कोलकाता, मतलब ये कोलकाता में है, वो किस सन में स्थापित हुई। आपके सामने चार ऑप्शन है, 1835, 1847, 1853, 1850। इसका राइट आंसर 1835 हो जाएगा, 1835 इज राइट आंसर। प्रश्न में बोला गया है भारत की पहली मेडिकल कॉलेज किस सन में स्थापित हुई, तो 1835 में स्थापित हुई और कहां पर हुई, तो कोलकाता में हुई। यहां दो प्रश्न बन रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है। तो हमारा राष्ट्रीय गीत नहीं संकलित है, तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है। आपके सामने चार ऑप्शन है, चित्रा, गोदान, डाकघर, आनंद मठ। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर आनंद मठ होगा, आनंद मठ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी की मृत्यु कब और कहां हुई। आपके सामने चार ऑप्शन है, 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में, 31 अक्टूबर 1984 को बमपुर उड़ीसा में, अमृतसर में और पेराम्बदूर में। इसका राइट आंसर 31 अक्टूबर 1984 दिल्ली में होगा, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल गुंबज कहां पर स्थित है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को देखने में थोड़ा छोटा लग रहा है लेकिन ये छोटा है परंतु मोटा है, ठीक है ना, मतलब बहुत बार पूछा गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात। तो गोल गुंबज कहां पर स्थित है, ये कर्नाटक में है, कर्नाटक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के किन दो शहरों के बीच बस सेवा आरंभ हुई। आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है दिल्ली इस्लामाबाद, और दूसरा है अमृतसर से लाहौर, और तीसरा है दिल्ली से लाहौर, और चौथा है मुंबई से कराची। इसका राइट आंसर दिल्ली से लाहौर होगा, दिल्ली से लाहौर इज राइट आंसर। प्रश्नों को समझने का कोशिश करना आप लोग। प्रश्न में बोला गया है भारत और पाकिस्तान के किन दो शहरों के बीच बस सेवा आरंभ हुआ, मतलब बस सेवा चलना जैसे शुरू हुआ, तो दिल्ली और लाहौर के बीच, ठीक है ना। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, अब सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है गिनती करके रखे रहना। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, एक वास्तविक मछली क्या होती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, जेली फिश, स्टार फिश, कैटल फिश और डॉग फिश। इसका राइट आंसर डॉग फिश हो जाएगा, डॉग फिश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उभयचारी जंतु कैसे श्वसन करते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, फेफड़े, चर्म, गिल, मतलब सभी 1 से 3। इसका राइट आंसर 1 से 3 हो जाएगा, जैसे फेफड़े से भी और गिल से भी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, आपका गुर्दे की कार्रवाई इकाई क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन है, नेफ्रान, न्यूरान, नेफ्रेटाइट्स और लिम्फ्स। इसका राइट आंसर नेफ्रान हो जाएगा, नेफ्रान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, बैक्टीरिया, फफूंद, वायरस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर वायरस हो जाएगा, वायरस इज राइट आंसर। इन्फ्लुएंजा बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है, वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि हीरे को दहकते चारकोल में डाला जाए तो मतलब क्या होगा। आपके सामने चार ऑप्शन है, कोई क्रिया नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन में परिवर्तित हो जाएगी, ग्रेफाइट में बदला जाएगा। इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी इज राइट आंसर। जब मैं इज राइट आंसर बोलता हूँ तो आप लोग को हंसी नहीं ना छूटता है, एक दो लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा लगता है। देखो यार, मैं मतलब कभी कभी भोजपुरी बोल देता हूँ, कभी कभी हिंदी बोल देता हूँ, कभी कभी इंग्लिश बोल देता हूँ, बस आप लोगों को समझ आना चाहिए मेरा भाषा कैसा भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहलाती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, अमीबा, वायरस, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर वायरस हो जाएगा, वायरस इज राइट आंसर। प्रश्न है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत
सिद्धांत पर कार्य करती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, अपकेंद्रण, अपोहन, विसरण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अपकेंद्रण हो जाएगा, अपकेंद्रण इज राइट आंसर। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका राइट आंसर जलवाष्प हो जाएगा, जलवाष्प इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, आयोडीन, इंसुलिन, लोहे, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आयोडीन हो जाएगा, आयोडीन इज राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर के इंजनों को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि। आपके सामने चार ऑप्शन है, पानी भाप बना देता है, पानी सस्ता रहता है, पानी ऊष्मा का कुछ सुचालक है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं। ये तो मैं हजारों बार करा चुका हूं, जितना बार वीडियो बनाता हूं उतना बार बताता हूं कि कार्बन के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, कोयला, राख, हीरा, ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर हीरा हो जाएगा, हीरा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है। देखो सदिश राशि और अदिश राशि आप लोग को याद कर लेना है, इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, विस्थापन, समय, लंबाई और तापमान। इसका राइट आंसर विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन है, मोल, एम्पियर, कैंडेला और केल्विन। इसका राइट आंसर केल्विन हो जाएगा, केल्विन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप के समय कौन सी तरंग उत्पन्न होती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, अवसराय तरंगे, पराश्रय तरंगे, दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अवसराय तरंगे हो जाएगा, अवसराय तरंगे इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, चारों ऑप्शन बताने का जरूरत नहीं है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, रतौंधी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी देखो आप लोगों का 30 प्रश्न समाप्त हो चुका है और नीचे आप लोगों को आंसर की भी मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो आप लोग पूरा पीडीएफ एक बार अच्छे तरीके से देख लेना और 1 बजे आप लोग को इंतजार करना है। अभी हमें काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और जो मैं आप लोगों को बोला हूं ना 1 बजे वीडियो आने वाला है, तो 1 बजे आप लोग तैयार रहना, ठीक है ना। जय हिंद।